जय हिंद। आरआईएमसी का एग्जाम है रिवीजन एग्जाम, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं चैनल सेट के बीच वाले हैं। देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बांग्लादेश की फीमेल है जिसको WHO रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है साउथ ईस्ट एशिया का। कहाँ का? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल डायरेक्टर किसको बनाया गया है? बांग्लादेश की ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी है शेख हसीना की, साइमा वाजिद। किसको बनाया गया है? साइमा वाजिद। आ सकता है WHO की रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया की किसको अपॉइंट किया गया है? ये NDA में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस्टिवल से है। नागालैंड में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया ऑरेंज फेस्टिवल, और इस ऑरेंज फेस्टिवल को भारत की कौन सी प्लेस में, नागालैंड की कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया? रोसुमा विलेज। कहाँ पे? रोसुमा विलेज, याद रखिएगा। और इसका थीम जो है ऑर्गेनिक ऑरेंज। ऑरेंज फेस्टिवल नागपुर में नहीं है। हम जब ऑरेंज फेस्टिवल इस तरह के नाम आते हैं तो हम सोचते हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से रिलेटेड है, बट नहीं, नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। और इसी तरह गोवा में पर्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? पर्पल फेस्टिवल। साथ में देखते हैं गोवा में कौन सा है पर्पल फेस्टिवल? ब्लॉसम। ब्लॉसम फेस्टिवल पूरी दुनिया में जापान में और इंडिया में होता है। इंडिया में मणिपुर में ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम, पोंगल, ये लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनम, पोंगल, बिहू, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ओनम जो है, काइट फेस्टिवल, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, ठीक है। दीज आर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दीज आर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओनम जो है ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में, मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाबी मनाते हैं, ठीक है। काइट जो है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था काइट फेस्टिवल कौन सी नदी के किनारे? सूरत में मनाया गया। सूरत में तापी नदी बहती है, सूरत में तापी नदी बहती है, और अहमदाबाद में जो बहती है वो है अहमदाबाद में साबरमती। चेक करना अहमदाबाद में कौन सी बहती है। भाई सूरत, सूरत आए इस तरह क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है भाई। देखो साबरमती नदी जो है साबरमती आश्रम के किनारे है, और अहमदाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। चच्चू और चेक करना कहाँ पे अहमदाबाद? साबरमती है भाई, चेक कर लेती हूँ मैं, रुक जाओ कर लेती हूँ, चेक करो। और स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, ये याद रखना। और अहमदाबाद चेक करो, ठीक है, ठीक है गला बेटा। अहमदाबाद साबरमती है, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बहती है। गुजरात में चार जगहें हैं, इधर देखो कौन कौन सी है। एक है सूरत, अहमदाबाद, टेबल बना दो, अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इंडिया ड्रोडा, ये जो है ना इंडिया ड्रोडा जो लिखा है, ये रिपब्लिक डे में बेस्ट ट्रैवलिंग अवार्ड मिल रहा है, ये रन ऑफ कच्छ का है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ का है। साबरमती, सूरत, अहमदाबाद, साबरमती, और तीसरा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सूरत, तापी, अहमदाबाद,
साबरमती, साबरमती साबरमती नदी के किनारे स्टैचू हुआ नर्मदा, ठीक है ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है और इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बार बार करने से आपको होता है याद हो जाएंगे आपको। ओनम केरला में सेलिब्रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ABCD में भी आ सकता है कि ओनम कहाँ मनाया जाता है, पोंगल कहाँ पे, बिहू, चार बिहू होते हैं, चार बिहू अलग अलग सीजन में मनाए जाते हैं, दीज आर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। गुड़ी पाव न्यू ईयर होता है महाराष्ट्र का, गुड़ी पाव, ठीक है। लोसर जो है ये न्यू ईयर होता है सिक्किम का, सिक्किम के न्यू ईयर को लोसर बोलते हैं, और लद्दाख और चाइना के लोसांग, क्या बोलते हैं, लोसांग बोलते हैं वहां के। नागालैंड देखिए, फॉर्मेशन डे 1963, कैपिटल इज कोहिमा, चीफ मिनिस्टर नायपा राव, गवर्नर लॉ गणेशी, और एक ही नेशनल पार्क है इंतंकी नेशनल पार्क। GI टैग फ्रॉम ऐसा GI टैग किसको, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग किसको मिला है, नागा मिर्चा, नागा ट्री टोमेटो, नागा स्वीट कुकम्बर एंड चक्सी सैंड शॉल, ये ऐसा GI टैग है नागालैंड की गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का, याद रखिएगा। नागालैंड जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत की, सेवन सिस्टर स्टेट में आती है, सेवन सिस्टर स्टेट में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इटानगर और मिजोरम, सिक्किम जो है सेवन सिस्टर स्टेट का एक भाई है, ठीक है, इन सेवन सिस्टर स्टेट का। देख लो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश कहां से आ गया, अरुणाचल प्रदेश, एक रह गया अगरतला, अगरतला किसकी कैपिटल है, त्रिपुरा की, इसकी है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा की अगरतला कैपिटल है। ये सारे क्या है नागालैंड के सेवन सिस्टर स्टेट, नागालैंड कोहिमा, मिजोरम ऐजवाल, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर एंड त्रिपुरा इज अगरतला, दीज आर द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। और मुझे आदित्य नागालैंड की कैपिटल बोलो, करेंसी बोलो, पक्का सिक्किम की क्या होगी, कौन से देश में है ये सारी स्टेट्स, हाँ कहाँ, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल्स भी भारत की है, करेंसी भी भारत की है। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो इनकी करेंसी भी बताते हैं, ठीक है, इस तरह के टेस्ट होते रहेंगे आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, राजकुमार हिरानी ने इलेक्शन कमीशन के लिए फिल्म बनाई है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माई वोट माई ड्यूटी, ठीक है, माई वोट माई ड्यूटी, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन जरूर होगा RIMC में, ठीक है। पहला करंट इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सो कुमार, फीमेल इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी, ठीक है, और ये याद रखना है। और उसके बाद देखो इलेक्शन कमिश्नर का कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, रिटायरमेंट एज 65 होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके नीचे चार और बॉडीज होती है, ठीक है, वो भी इलेक्शन कमीशन का पार्ट होते हैं, तीन बॉडीज होती है, याद रखिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, सॉरी टू इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड IAS या IRS ऑफिसर्स होते हैं। 25 जनवरी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तब हमने इलेक्शन कमीशन को भी अडॉप्ट कर लिया।
25 जनवरी वोटर डे मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल वोटर डे आप याद करोगे, थीम 100% आने के चांसेस, वोटर डे का थीम, ठीक है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर पर चीफ फर्स्ट वुमेन 25th वाज राजीव कुमार एंड कमिश्नर बाकी कौन है, रिटायर हो चुके हैं, टेन्यूर 65 ईयर, ये चेक कर लेना। अब ये नहीं है नेशनल वोटर डे की थीम क्या है, चलो आप देख लेना क्या। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वेरिया वन वोट है कि कोई और है। नेक्स्ट देखो, 46 सेशन यूनेस्को का भारत में होगा, 46 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 46 सेशन जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कहां पे हुआ, इंडिया में किया जाएगा। 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी थीम क्या है, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट जस्टिस। शेख हसीना 5th टर्म दोबारा से क्या बनी है, बांग्लादेश की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भाई। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली वुमेन डीजीपी है, इससे पहले ये फर्स्ट फीमेल डीजी थी आईटीबीपी की, ठीक है। रश्मि शुक्ला पहली महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आईटीबीपी, एसएसबी, बीसी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इंडिया और चाइना के बीच होती है, इंडो तिब्बतियन, ठीक है, बॉर्डर प्लेस। एसएसबी नेपाल के साथ, इंडिया की ये बॉर्डर प्लेस है, इंडिया के बॉर्डर में कौन कौन सी जगह पे होती है। बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है, बीएसएफ है, ठीक है, कौन है, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है, सेंटर में अपॉइंट की जाती है। सीआईएसएफ जो होती है, याद रखिएगा, इस बार दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ एयरपोर्ट में होती है। इस साल गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्टर ने सीआईएसएफ की में और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी दे दी है, किसकी, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी अब किसके हाथ में है, सीआईएसएफ, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है ये क्वेश्चन भी। न्यू पार्लियामेंट बनाया विमल पटेल ने बनाया, न्यू पार्लियामेंट किसने बनाया, विमल पटेल ने, याद रखिएगा, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विमल पटेल ने बनाई, आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इंडिया, अच्छा ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को 38 पैदल लाइन, क्या बोलते हैं, 38 पैदल लाइन। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिया और चाइना मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब अफगानिस्तान बना था तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो पहले से था बट पाकिस्तान कभी भी नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान बाद में बना, पहले से इंडिया और अफगानिस्तान में एक लाइन ड्रॉ की गई जिसका नाम था डूरन लाइन, डूरन कप इज द ओल्डेस्ट कप ऑफ फुटबॉल और उसका नाम भी डूरन पे ही बना था, 100 ईयर ओल्ड है, उससे भी ज्यादा हो गया, डूरन कप इज द ओल्डेस्ट कप ऑफ फुटबॉल, ठीक है। 2022 या 21 में क्वेश्चन है एनडीए में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंटर पूरे भारत के स्टेट्स में, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन, एंड देयर इज नो लाइन बॉर्डर बिटवीन इंडिया नेपाल बांग्लादेश, ठीक है, अब बन जाएंगे और बॉर्डर्स होने चाहिए। इसी तरह इंडिया म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर बना रहा है क्योंकि इन बॉर्डर्स क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रही है, जितने भी रोहिंग्या है इंडिया में आके बस गया है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में बठिंडी चलो जाओ तो सारा रोहिंग्या बसा हुआ, दिल्ली में सारा रोहिंग्या है, ठीक है, इससे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी,
ठीक है, बाहर से जो लोग आएंगे इंडिया में उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और बाद में इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हाँ, और फिर ये लोग खुद ही नेता बसाते हैं अपने वोट बैंक के लिए और बाद में हम सबको ही नुकसान होगा। खाली एक ये मत सोचो कि हिंदू कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरे भारतीयों को नुकसान होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेवान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं विलियम लाल। शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाराणसी क्लीनेस्ट सिटी क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड दिया गया। डीआरडीओ ने एक राइफल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है उग्रेम। क्या है? उग्रेम, ठीक है। एसआर राइफल है, ये आर्म फोर्सेस को दे दी गई है, डीआरडीओ ने बनाई है और डीआरडीओ ने सोम भी दिया। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्म डे मनाते हैं इन सर्विस ऑफ द नेशन। थीम ऑफ द इंडियन आर्मी डे इन सर्विस ऑफ द नेशन, याद रखिएगा। 15 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे। इंडिया का रैंक पासपोर्ट में इटली है और टॉप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन है। किर्गिस्तान ने अपना नेशनल जो सिंबल लॉन्च किया उसका नाम है स्नो लेपर्ड, इसके भी आने के चांसेस हो सकते हैं। किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल का नाम क्या रखा है? स्नो लेपर्ड। महाराष्ट्र पंच टाइगर, वो भारत की पहली, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क आ सकते हैं, वो भारत की पहली डार्क स्काई पार्क बना है। अब ये यहाँ देखो महाराष्ट्र के जो नए बच्चे हैं, ठीक एक बार कर लो, यही रिपीट करना है। 5 दोस्त बांधवगढ़ के नेशनल पार्क में फॉसिल ढूंढने के। अब ये 5 दोस्त कौन है? ये महाराष्ट्र का ट्रिक, ठीक है। देखो माधव, पन्ना, सॉरी एमपी बेटा, ये महाराष्ट्र है, चलो एमपी के लिख लो, ठीक है। एमपी के, महाराष्ट्र और एमपी के बीच रह गया, ये एमपी के हैं, ठीक है। एमपी कर लो, एमपी के नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं संजय त्रिडोडवा, ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है। और यहाँ देखो माधव, पन्ना, माधव, पन्ना, माधव, पन्ना, सत, सत, संजय, माधव, पन्ना, काना है, ठीक है। माधव, पन्ना, काना, सत, सत, ठीक है, सत्य है, संजय, 5 दोस्त, कितने? 5 दोस्त बांधवगढ़ के नेशनल पार्क में फॉसिल ढूंढने के। ये दीज आर द नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भारत का मध्य प्रदेश में है, इसीलिए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? माधव, काना, पन्ना, माधव, काना, पन्ना, सत्य, संजय, 5 दोस्त बांधवगढ़ के, बांधवगढ़ में के नेशनल पार्क में फॉसिल ढूंढने गए। दीज आर द ट्रिक, इट इज द ट्रिक ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल पार्क, ये याद कर लो। और महाराष्ट्र के लिखिए नेशनल पार्क, चंडोली नेशनल पार्क, चंडोली नेशनल पार्क लिखो भाई, तू लिख क्यों नहीं रही? कहां लिख रही है? दिखाओ भाई, लिख, वीडियो में और टाइम वेस्ट करेगी। ये पहली, ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख, वीडियो में क्यों टाइम वेस्ट करोगे? फिर वीडियो में जो क्वेश्चन आ गए होंगे वो लिखना। चंडोली नेशनल पार्क, टडोडवा नेशनल पार्क, थुक्कामल नेशनल पार्क, देखो चंडोली नेशनल पार्क, टडोडवा नेशनल पार्क, थुक्कामल नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एक रह गए, एक आप ढूंढोगे, ठीक है। 5 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के, वो आप ढूंढोगे 5। नेक्स्ट देखो ज्योति आदित्य सिंह जो है, सिंधिया जो है, ये उड़ान एविएशन मिनिस्टर है। इन्होंने उड़ान फ्लाइट का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया? देहरादून के, देहरादून और पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में आता है, कहाँ आता है? उत्तराखंड में। सक्षम नारी सशक्त भारत, सक्षम भारत, नारी सशक्त भारत, ये मिनिस्ट्री चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री ने लॉन्च की एक थीम, ठीक है, विकसित भारत के लिए न्यू दिल्ली में, सक्षम नारी सशक्त भारत, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे हो चुकी है, महाराष्ट्र ने टॉप कर लिया है और उसका मैस्कट, वेरी इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया का मैस्कट आ सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पे शीम्स, ये तमिलनाडु में नहीं हो गया, विंटर्स कहाँ पे गया, दो जगह मिल गया, ठीक है, एक तो ले एक दूसरी कश्मीर में, दोनों ही है, ठीक है। मैस्कट होता है, एक कार्टून बनाया जाता है उस जगह की, वहां जैसे स्नो लैपर्स, वहां पे स्नो लैपर्स वहां का फेमस क्या है, मिस नेशनल पार्क फेमस ना स्नो लैपर्स, वहां पे सबसे ज्यादा स्नो लैपर्स पाए जाते हैं। जिस देश में ज्यादा बर्ड्स, जो जिस देश में बर्ड्स जो देश जाना जाता है या एनिमल से जाना जाता है उसका एक मैस्कट बना दिया जाता है। हमने देखा होगा ओलंपिक्स में एक छोटी सी डॉल दे देते हैं उसका मैस्कट, इसी तरह हर एक नेशनल गेम्स हो अब जो भी होती है उनमें मैस्कट आपको हाथों में पकड़ाया जाता है। स्नो लेपर्ड जिसको कहते हैं शीशी और रिबिल्स, और इसको ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2022, ठीक है। इसमें याद रखिए खेलो इंडिया गेम्स जो है इस साल तमिलनाडु में हो चुकी है, महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे कौन है देख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मैस्कट क्या है ये भी देख लो। तमिलनाडु में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज की गई। और ये एनडीएस स्टेडियम ले में ऑर्गेनाइज की गई थी विंटर गेम। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेशन के लिए लाया गया है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको लाया गया है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को। इंडियन नेवी ने डिजाइन किया है INS सर्वे शिप, जिसको डीकमीशन किया गया 38 ईयर के बाद, और इस सर्वे शिप का नाम है INS निरूपक, क्या है INS निरूपक। अब ये काम नहीं कर रहा, 38 ईयर इसने भारतीय नेवी को दिए हैं, अब इसको डीकमीशन किया गया। सी ड्रैगन जो है USA गुमान में हुई है, इसमें चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये बेया इसमें देख लो, इस एक्सरसाइज में सेवन चाइना ने नहीं किया, इस एक्सरसाइज सेवन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस जापान USA एंड UK। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन में क्या भारत ने पार्टिसिपेट किया, यस, कहाँ पे हुआ, ओमान, गुम में, ठीक है। और कौन कौन सी ABCD में आपको ऑप्शन आ सकते हैं, फोर्थ कंट्रीज के नाम लिखोगे आपको आने चाहिए, ठीक है। इंडिया नेवी P-81 एयरक्राफ्ट है ये इसने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज सी ड्रैगन में। US नेवी के P-88A ने पार्टिसिपेट किया, जापान के P-1 ने, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने CP-140 ने, रिपब्लिक ऑफ कोरिया P-3C, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से क्यों नहीं होगा, अभी बंद नहीं करना, इसमें ये आपके मैं सारे करंट अफेयर्स और बारी वाले इनसे रिवाइज करते जाओ, ठीक है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो एक्सरसाइज हुई है वो है सदा तंसिक, क्या है, सदा तंसिक, याद रखिएगा। इंडिया और UAE सऊदी अरेबिया के बीच सदा तंसिक एक्सरसाइज हुई है, और इंडियन थाई नेवी के साथ एक्सरसाइज अयोध्या ये कहाँ हुई एक्सरसाइज, अयोध्या में, ठीक है, कब हुआ कनेक्ट, क्योंकि थाई की जो रानी है वो अयोध्या की बेटी थी, उसकी शादी जो है वहां पे की गई थी, इसीलिए एक्सरसाइज को किया गया। और एक्सरसाइज सदा तंसिक इंडिया सऊदी अरेबिया